आज हम बनाएंगे मटन कबाब, या आप इसे मटन टिक्की भी कह सकते हैं। तो आज इसकी रेसिपी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं कि क्या क्या हम लेंगे। ये है हमारे पास मटन चॉप्ड, इसको आप कीमा बना के रख सकते हैं। तो और यहाँ पर है अनियंस प्याज, और ये अदरक लहसुन पेस्ट। एक्चुअली ये हमने थोड़ा सा क्रश करके रख दिया, इसको भी हम ग्राइंड दोबारा से करेंगे। मिर्च, ग्रेट किए हुए लहसुन अदरक प्याज और मिर्च को हम लोग ग्राइंड करने के बाद इस कीमा में मिक्स कर लेंगे। अब हम बटन में डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च पाउडर। और यहाँ पे हमने लिया है MDH का चिकन मसाला। आप चाहे तो मटन मसाला भी डाल सकते हैं, हम चिकन मसाला डाल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास चिकन मसाला है। इस पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच, ये है चिकन मसाला हमने अभी डाला इसमें। अब इसमें हमने प्याज और लहसुन अदरक और मिर्च ग्राइंड होने के लिए डाल देना है, और इसको ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसमें हम मिक्स करेंगे मटन में। अरे यहाँ पर मसाले ग्राइंड हो चुके हैं, अब इसको हम डालेंगे इसमें मटन में। अब हम इसमें सारा जो है ग्राइंड किया हुआ मसाला, सारा जो है प्याज वगैरह सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं। मटन में सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, करने के बाद फिर इसकी बनेगी टिक्की। तो मैरिनेट करने के लिए हम 10 मिनट 15 मिनट छोड़ देंगे ऐसे, जो हमने ग्राइंड किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले थे। तो इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम इसमें बेसन मिक्स करेंगे। हम इसमें मिला रहे हैं बेसन 1.5 चम्मच के करीब, 1.5 चम्मच के करीब मैंने मिला दिया इसमें बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं मिलाना है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना मटन यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने पानी नहीं मिलाना है, मटन का जो पानी निकला होगा मैरिनेट होने के बाद थोड़ा बहुत, ये उसी में ही मिक्स करना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपने बेसन ज़्यादा नहीं मिलाना है, मटन का जितना पानी एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसी में हम मिलाएंगे बेसन को। जितना हम पकौड़े के लिए बेसन यूज़ करते हैं उतना नहीं हम डालेंगे, बहुत कम डालना है, इतना भी नहीं। अब देखिए मैंने जितना 1.5 चम्मच के करीब डाला था बेसन, वो सारा मटन के पानी में ही इसमें पानी से ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अलग से हमने इसमें पानी भी नहीं डालना है। कीमा और बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसकी बनेंगी टिक्कियाँ। राउंड राउंड शेप में बना लिया है इसका शेप। आप चाहे तो जैसा मर्जी बना सकते हैं, चाहे रोल करके इसको लंबा बनाइए या जैसे रोल्स बनाने हैं। कढ़ाई पे हमने तेल गर्म होने दिया था, तो अब तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल रहे हैं कबाब को, एक एक करके डालेंगे। तो हमने कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं हम इसे, आपको बताना चाहूँगी कि इसको अगर आप थोड़ा सा बनाने के टाइम पर बड़ा ही रखिएगा शेप, क्योंकि बनने के बाद ये साइज़ में बहुत छोटे हो जाते हैं। तो आप इसको शेप जब भी देंगे तो थोड़ा बड़ा ही रखिएगा शेप। हमारे कबाब रेडी हो चुके, इसलिए हमने इनको अब कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने की, धनिए की चटनी या रेड सॉस के साथ खा सकते हैं। आप इसको चाय के साथ एंजॉय ज़रूर करके देखिएगा कभी।